हेलो एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा फ्रॉम डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर से। आज क्लास फिफ्थ के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है द फिश टेल, पार्ट नंबर 4। आज सबसे पहले आपको कुछ बहुत सारी ड्राइंग्स इसके अंदर देखने के लिए मिल रही होगी। ये जो ड्राइंग है ये किसी फिश की है। ये कौन सी फिश है ये आपने पहले भी बहुत सारे जो हमने क्लासेस ली है उनके अंदर भी आपने इस फिश का डायग्राम देखा होगा। तो ये कौन सी फिश है और ये कौन सी फिश आपको ये बताना है। और यहाँ पे जो ये पार्ट 2 है इसके अंदर दूसरे वाले पार्ट के अंदर आपको बहुत सारी फिशेस क्या दिख रही है, तैरती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। और ऊपर लिखा हुआ है स्कूल ऑफ फिश। क्या है? स्कूल ऑफ फिश। तो आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर क्या स्कूल फिश की भी स्कूल होती है क्या? तो हाँ, फिश की भी क्या होती है, स्कूल होती है। क्या होती है? स्कूल होती है। फिश भी क्या करती है? पानी के अंदर तैरती है। तो उनको कोई ना कोई तो सिखाता होगा, जैसे हम आपको पढ़ना सिखाते हैं वैसे उनको भी तो कोई ना कोई तैरना सिखाता होगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे द फिश टेल और स्कूल ऑफ फिश की। तो सबसे पहला जो कंफ्यूजन है कि सर इस चैप्टर का नाम भी द फिश टेल है और यहाँ पे भी फिश टेल लिखा हुआ है। तो देखो एक छोटा सा कंफ्यूजन है, एक बार इसकी स्पेलिंग देखो, ये है TAIL, है ना, और यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो है TALE। इस टेल का मतलब है स्टोरी या कहानी या कोई कविता, ठीक है, जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। जबकि इसका मतलब स्टोरी हो गया और इसका मतलब है हमारे पास में क्या, पूंछ, ठीक है, ये जो पूंछ है, ठीक है। तो जो नॉर्मल फिश होती है ना, जो हमारी नॉर्मल फिश होती है उसकी जो टेल होती है वो कुछ एकदम फ्लैट होती है। क्या होती है? एकदम फ्लैट होती है। जबकि जो सबसे बड़ी मछली होती है इसको हम व्हेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? व्हेल। तो उसकी जो टेल होती है वो कुछ इस टाइप में दो लैग शेप में बनी हुई रहती है, ठीक है। और इस दुनिया की सबसे बड़ी जो मछली और सबसे बड़े जो मैमल्स हैं वो कौन है? व्हेल है, ठीक है। बहुत बड़ी मछली होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी, ठीक है, इसको हम कहते हैं व्हेल। और ये हो सकती है कोई भी नॉर्मल फिश, ठीक है। तो अगर हमें पता करना हो कि जो व्हेल मछली होती है और एक जो कोई और नॉर्मल मछली होती है उन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो हम उन दोनों की जो पूंछ होती है, जो टेल होती है, हम वहां से उनको क्या लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये नॉर्मल फिश है और ये क्या है, एक व्हेल फिश है। क्लियर है यहां तक? और नेक्स्ट है हमारे पास स्कूल्स ऑफ फिश। जब बहुत सारी मछलियां एक ग्रुप के अंदर पानी में क्या करती है, स्विम करती है, तैरती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्कूल ऑफ फिश कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे? स्कूल ऑफ फिश कहते हैं। देखो एक छोटी से छोटी मछली 1 सेंटीमीटर तक की हो सकती है। कितने सेंटीमीटर तक की हो सकती है? 1 सेंटीमीटर की। और जो एक बड़ी से बड़ी मछली हो सकती है, ठीक है, बड़ी से बड़ी मछली वो 7-8 हाथियों जितनी बड़ी हो सकती है, ठीक है, जैसे हमारी व्हेल फिश। क्लियर है यहाँ तक? ये तो यहाँ पे तो बहुत छोटी दिखाई दे रही है, बट रियल में क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत ह्यूज, बहुत ज़्यादा बड़ी जो होती है ये मछली होती है। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब ये बहुत छोटी छोटी मछलियाँ हैं, ये पानी के अंदर तैरना सीख रही है, ठीक है, ये पानी के अंदर क्या करना सीख रही है, तैरना सीख रही है, चलना सीख रही है। हम भी जब छोटे बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, चलना सीखते हैं, ठीक है, पहले घुटनों के बल चलना सीखते हैं, फिर धीरे धीरे बैठते हैं, फिर इधर उधर गिरते गिरते हम क्या करते हैं, चलना सीखते हैं। तो इसी तरीके से ये मछलियाँ भी क्या कर रही है, पानी के अंदर अपने किसी बड़े के साथ में, जो बड़ी मछलियाँ उनके साथ में क्या करना सीख रही है, तैरना सीख रही है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्कूल्स ऑफ फिश कहते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, जो बड़ी मछलियाँ होती हैं वो इन छोटी छोटी मछलियों को क्या कर लेती है, खा जाती है। क्या कर लेती है? इनको खा जाती है। तो छोटी मछलियाँ उन बड़ी मछलियों से बचने के लिए क्या कर लेती है, अपने पेट के अंदर क्या कर लेती है, बहुत सारा पानी भर लेती है, उस पानी को पी जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका पेट क्या हो जाता है, फूल जाता है और वो मोटी दिखने लग जाती है, ठीक है। तो जो मछलियाँ होती है वो उसको खा नहीं पाती है, वो उनको लगता है ये बड़ी मछली है, छोटी वाली मछली नहीं है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, मछलियाँ, छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियों से बचने के लिए क्या कर लेती है, बहुत सारा पानी एक साथ में पी जाती है, और बहुत सारा पानी एक साथ में पी जाने के बाद में क्या करती है, उसको जो बड़ी मछलियाँ होती है वो उसको खा नहीं पाती और वो उनसे बच के निकल जाती है। ये सब किसमें सिखाया जाता है? ये सब सिखाया जाता है स्कूल्स ऑफ फिश के अंदर। आया समझ में आता है? सो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अब आपके पास कुछ मैट हो, कुछ खराब कपड़ा हो, जो पुराना कपड़ा हो, जो अभी काम में नहीं आ रहा हो, तो उसके ऊपर
आप क्या कर सकते हो, किसी पेन से या किसी स्केच कलर से आप उसके ऊपर क्या बना सकते हो, फिश की एक ड्राइंग बना सकते हो। ठीक है, हमने जो लास्ट टाइम जो हमारा प्रीवियस सेशन था उसमें हमने क्या किया था, स्क्वायर और ट्राइंगल की हेल्प से हमने क्या बनाए थे, हमने उसके अंदर बहुत सारे जो अलग अलग टाइप की जो फिश होती थी वो हमने बनाना सीखा था। सो आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, आपको स्कूल्स ऑफ फिश और द फिश टेल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए, या फिर स्कूल के जो दिए गए जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर जाके भी आप मैसेज कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।